और दोस्तों कुछ लोग पी कर धमाल मचा रहे हैं। अरे दोस्तों अभी जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए और काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी हुई है, तो अभी आपका भाई दबा के खाएगा और होली सेलिब्रेट भी तो करना है दोस्तों, तो पहले पेट पूजा कर लूँ फिर बाकी तो करना ही है। कर्म तो सबसे पहले है, फिर बैठ के ब्लॉग बनाऊँगा और अभी पहले जा रहा हूँ नाश्ता करने। मटन और पूड़ी बन चुका है और मैं भी मुंह हाथ धो के फ्रेश हो चुका हूँ, बस थोड़ी देर में सेविंग टेविंग करूँगा और नहा धोवा के मस्त फ्रेश हो जाऊँगा, धमाल मचाऊँगा पूरी तरह से। होली खूब अच्छे से मनाना है दोस्तों, पूरा इन्जॉय करूँगा दोस्तों, तो देखते हैं। ब्लॉग में बने रहिए, एंड तक बने रहिए और अभी तो जा रहा हूँ, आप लोग भी आइए नाश्ते पर, हम लोग साथ में नाश्ता करते हैं, होली मनाते हैं। ये देखिए दोस्तों पिताजी मटन खा रहे हैं, पूड़ी और मटन, तो काफ़ी टेस्टी मटन बना है। और मम्मी पूड़ी बना रही है, ये मेरी मम्मी है, ये मम्मी है मेरी प्यारी प्यारी नहीं और यहाँ पर मेरा भी निकला हुआ है। कितना मजा लग रहा है। अरे यहाँ पर इन लोगों का तेल मालिश हो रहा है, तेल मालिश मसाज टाइम। तीनों जल्दी रेडी हो जा। और देख सकते हैं दोस्तों पूरी कितनी अच्छी बन रही है, पूरी गोल गोल फुली फुली हुई, ऐसे पूरी खाने में काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों मटन के साथ में, मेरा फेवरेट है दोस्तों। होली में हम लोग पूरी ज़रूर खाते हैं, बाकी ऐसे हम लोग तला फला नहीं खाते, पर होली में हम लोग ज़रूर पूरी खाते हैं, पूरी के साथ चिकन या मटन वो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा फूल रहा है, पूरा खिल रहा है, खिला हुआ पूड़ी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, गरम गरम खिला हुआ पूड़ी मटन के साथ, वाह क्या बात है। और पिताजी खा चुके हैं और मेरी भी खाने की तैयारी है। और ये पिताजी हम लोगों के लिए मटन निकाल रहे हैं। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे मैं और मेरी बहन भी, और बाकी सबको भी बोलता हूँ नाश्ता करने के लिए, पहले सभी लोग नाश्ता कर लें उसके बाद बाकी काम तो होता रहेगा। मग दोनों के देह पोछने के लिए ले गए हैं, वो तो उधर वाला मग बाथरूम में तो मग है ये है, तो हम नहीं जानते हैं, हम उधर वाला मग दिए हैं, उधर नहीं रखा हुआ है, उधर पहले खा लीजिए तो फिर। आइए दोस्तों नाश्ता करता हूँ, नाश्ता निकल चुका है, बस पूड़ी लेना बाकी है। पूड़ी है दोस्तों, पूड़ी लूंगा। बता देगा
अभी हटाने में भी तो दिक्कत है, पूरी चेक करके रखना पड़ेगा। रुको रुको दे रहे हैं, अंडा भी निकाल देने, खाइए बेटा सब निकाला निकाली बात। चीनो मिट्टा ठीक है, पूड़ी और मटन आ चुका है, अभी नाश्ता करने जा रहा हूँ दोस्त। आइए आप लोग भी साथ में, हम लोग नाश्ता करते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बहुत टेस्टी बहुत डिलीशियस, मजा आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों कुछ लोग पीकर दिमाग मचा रहे हैं, बोले ये क्या बोल सकते हैं, ठीक है एंजॉय होली हैप्पी होली। जो लोग दौड़ धूप मचा रहे हैं बाहर, अभी तुमको भी नहीं लगाया है। मेरी माँ खा रही है अभी और मुझे भी खिला रही है, मुझे भी खिला रही है, ठीक बना है वो। हाँ गरम थोड़ा सा ही तुमको दे कैसी लगी आगे स्वाद? डेक्ची में, डेक्ची कहाँ है? दो डब्बा हमारे लिए एक काम करो ना बेटा, दो डब्बा रोटी बना रही है ना, मेरे लिए चार ठो रोटी बना दो, भी रोटी खाएंगे, रोटी खाओगे? हम तो रोटी खाने में हमको मन अच्छा, चावल तो संडे को चावल खाए ना हम लोग, संडे को तो सब एक ही है, नहा कह रहे हो संडे को नहीं ना, अरे हो जाएगा उसमें चावल में। अरे होली नहीं खेले राजेश जी के साथ, नहाना तो होता रहेगा, पहले थोड़ा सा पटका पटकी हो जाए, थोड़ा बाहर निकल जाइए तब मैं बताएगा। कोई नहीं खेल, सब शांति से बैठा हुआ है, इस बार आइडियल बच्चा की तरह सब बैठा हुआ है। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। लाओ लाओ रंग लगाओ, ये टूट गया है सर, रंग लेके और रंग खेला जाए, होली मनाया जाए, दो साल पहले खरीदने के लिए था मगर बिना रंग का मजा कहाँ आता है, होली है हैप्पी होली, आई होली है। चावल सूखे चढ़ा दो, ये लोग चावल दिए जा रहा ना, हमने चावल किससे साथ दिया जाए, दाल बनाने जा रहे हैं। हाँ देख लिए चावल, रोटी भी बना के दे रहे हैं। हाँ ठीक है, नानी के साथ ना खाएगी, आजा आजा खाएगा मटन, खाएगा मटन, पूरी मटन खाएगा, नहीं तो चार दिन लैट्रिन में जाऊं। हाँ बाप रे बाप, कैसे चार चार के लैट्रिन करते थे, बाप
आपको अच्छा लगा? मेरे घर में मुझे था एग्रीको में कि एकदम अलग पूजा पाठ के अलग खाने पीने का अलग मटन चिकन का अलग मेरे घर में खाने पीने का है सब एक में मटन चिकन भी एक में है माँ को बाबूजी को जो है डेली चाहिए तीनों टाइम मिल जाए तो चलेगा कभी ना नहीं करती हमारे सास कभी ना साफ सुथरा बोलता है साफ सुथरा रखिए अभी हम जा रहे बेटा कस्टर्ड बनाएंगे तो हम और तुम खाएंगे ठीक है कस्टर्ड गरम करके ठंडा करके Very dangerous! दहिया बहुत अच्छा लग रहा केला है अंगूर है सेब है दहिया बहुत अच्छा लग रहा राजेश बारा के दही बहुत अच्छा लग रहा है तब हमको अच्छा लग रहा है कुछ कुछ पड़ जाएगा ना तो कहीं अच्छा लगे कि नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको